हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप लोग। हम फिर वापस आ गए हैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। गाइस, अगर आप इसी तरीके के वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के पहले वीडियो को देखते हैं, फिर करते हैं वीडियो के बारे में आखिरी में बात। छोटी सी एक सोचा कि वीडियो बना लें। आपको तो पता ही है कि पाकिस्तान में आज सुबह से, यानी आज फ्राइडे है, और आज सुबह से पाकिस्तान में युथियापा चल रहा है। युथियापा क्या होता है ये आप लोग अच्छे से जानते हैं, इसलिए मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। तो बिल्कुल, पाकिस्तान में आज सुबह से युथियापा चल रहा है, और उसका रिजल्ट ये था कि जी गवर्नमेंट ने जो है वो इंटरनेट तो चलने दिया, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया, जिसमें यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक आ जाता है, व्हाट्सएप आ जाता है, वो सब कुछ बंद कर दिया, शट डाउन हो गया। और उसकी वजह से कहा गया कि जी क्योंकि वो टीएलपी वाले तहरीक लबैक पाकिस्तान, उनको कंट्रोल करना था। उन्होंने कहा था कि जी हम आज जुम्मे की नमाज के बाद जो है वो अपना प्रोटेस्ट दोबारा रिकॉर्ड करवाएंगे, दोबारा कोई रैली शैली निकालेंगे। तो गवर्नमेंट जो थी उसने सोचा कि और तो कुछ हो नहीं पाता हमसे, हम तो ना कंट्रोल कर पाते हैं इन जनूनियों को, ना ही ये जो एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज हैं, ना ही वो इनके कंट्रोल में आती हैं। बैन तो इन्होंने लगा दिया है, लेकिन वो बैन इसी तरह का है जैसे आप अक्सर देखते हैं कि ट्विटर पे कोई फेक आईडी वाले आते हैं और वो आके और अपनी बकबक बकबक करके चले जाते हैं, और अगर अगर कोई उनको ब्लॉक कर दे तो वो फिर कोई नई आईडी बना लेते हैं और वो फिर आ जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर आप जानते हैं कि लश्करे जंगवी और जैशे मोहम्मद और यही टीएलपी वाले और इस तरह की कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको के बैन किया गया। हाफिज सईद की पार्टी को बहुत बार बैन किया गया, और उसके बाद वो किसी और नाम से फिर आगे ना सिर्फ आगे इलेक्शन में भी खड़े हो गए, लेकिन खैर इलेक्शन में जीत नहीं पाए, वो एक अलग स्टोरी है। उस पे तो हम बड़े खुश होते रहते हैं कि जी इलेक्शन जीत नहीं पाए, लेकिन ये पार्टीज आती हैं और ये पार्टीज जो हैं ये बार बार नाम बदल कर आ जाती हैं, और गवर्नमेंट से किसी तरीके से कंट्रोल में नहीं आ रही। ऑब्वियसली जब आप इन्हें पालेंगे, जब आप इन्हें ट्रेनिंग देंगे, और जब आप अपोजिशन में होंगे, और अपोजिशन में होते हुए आप इनको हर तरह का सपोर्ट देंगे, तो फिर तो जी यही होना है ना। अब इसके बाद और तो कुछ है नहीं कि रह जाए जिसमें। पहले तो हमने ये देखा कि जी आज 4 to 5 hours के लिए इंटरनेट बंद रहा, इंटरनेट नहीं सॉरी सोशल मीडिया बंद रहा। वैसे होना तो इंटरनेट बंद होना चाहिए था, अगर इन्हें कंप्लीट लॉकडाउन करना था, कंप्लीट शटडाउन करना था तो ये चाहते तो ये इंटरनेट भी बंद कर सकते थे, लेकिन इन्होंने जो है इंटरनेट बंद नहीं किया। उसकी वजह से मेरे जैसे लोग जो काफिरों के बड़े फैन हैं, हमने काफिरों की बनाई हुई वीपीएन लगाकर और ठका ठक ट्विटर के ऊपर जो है वो अपने स्टेटस डाले, और इसी तरीके से हमने लोगों को बताया कि यहाँ पर हो क्या रहा है। लेकिन साथ के साथ जितने टीवी चैनल्स हैं उनको भी मना कर दिया गया कि कोई एक्टिविटी ना दिखाई जाए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सुनने में तो आया बहुत सारे कंटेनर्स भी आए हैं जिसपे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जो बहुत हैंडसम है, उनके एक जो मिनिस्टर हैं, एडवाइजर हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये स्टेटमेंट भी दिया कि जी पता नहीं हमने कंटेनर मंगा लिए हैं तो सब लोग क्यों परेशान हो गए। हालांकि वो तो बहुत बार कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने बहुत दफ़ा कहा है कि जी आपने घबराना नहीं है, लेकिन यहाँ पे लोग सुनते ही नहीं है, अजीब किस्म के लोग हैं, घबरा जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अब आप ये देखिए कि इमरान खान साहब इधर कितने हैंडसम लग रहे हैं, यानी मैं भी सोच रही हूँ कि ये वाला स्टाइल होना चाहिए लोगों में। एक आप सनग्लासेस लगाएं और उसके बाद एक आप रीडिंग ग्लासेस लगा लें, और जिनको रीडिंग ग्लासेस नहीं है वो साइड की ग्लासेस लगा लें। इसलिए वैसे भी आजकल तो हर जिस तरीके से सोशल मीडिया को शट डाउन किया था, जिस तरह से बैन किया था, जैसे ब्लॉक किया था, इसको देख के मुझे तो एक टाइम को ऐसा लगा, मैंने कहा शायद चाइना ने कब्जा कर लिया है, शायद चाइना ने पाकिस्तान में कब्जा कर लिया है, और अब इस वजह से यहाँ पर जो है ना सोशल मीडिया चाइना की तरह बंद हो गया है। वो तो शुक्र है कि हमारे जो लोगों ने जो है वो शोर मचाया थोड़ा सा, और 4-4.5 घंटे के बाद जो है वो दोबारा से उसको रिस्टोर कर दिया गया, दोबारा से सारी जो एप्लीकेशंस थी वो दोबारा से काम करने लगी। लेकिन इनका भरोसा कोई नहीं है कि कब ये क्या कर दें और कब ये किस तरफ को निकल जाएं। तो इसलिए जितने हमारे फ्रेंड्स हैं, जितने हमारे फॉलोवर्स हैं, जितने हमारे यूट्यूब और ट्विटर फैमिली हैं,
आप लोग जरा दुआ ही किया करें हमारे लिए कि हमें जो है ना वो ये सोशल मीडिया वाला इशू हमारे यहाँ ना ही हो। साथ के साथ फ्रांस ने अपने सिटीजन्स को ये कह दिया कि जी तुसी हमारा एम्बेसडर क्या निकालोगे पाकिस्तान से, उन्होंने कहा कि हम अपने सारे सिटीजन ही निकाल लेते हैं। तो उन्होंने जो कहा है अब अगर इस तरह से हो गया और सारे सिटीजन्स उनके फ्रांस के यहाँ से चले गए तो वो अकेले नहीं जाएंगे, उनके साथ साथ दूसरे यूरोपियन यूनियन के जो है वो और जितनी यूरोपियन कंट्रीज हैं उन सबके सिटीजन और एम्बेसीज और एम्बेसडर्स भी यहाँ से चले जाएंगे। तो हमारी तो बैठे बिठाए वाट लग जानी है, इसलिए कि अभी तो हम फिर इनकी वजह से बच जाते हैं कि यूरोपियंस यहाँ रहते हैं तो कुछ दूसरे और हमारी ना सही उनकी थोड़ी इज्जत करते हैं और उनकी वजह से हमारे ऊपर भी अटैक्स नहीं होते और हमारे हमारी भी जान बच जाती है। लेकिन अगर ये सब लोग चले गए तो हमारी तो बैठे बिठाए जो है ना वो वाट लग जाएगी। तो अब देखते हैं कि गवर्नमेंट इसको किस तरह से हैंडल करती है। वैसे तो उन्होंने बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है कि जी हमने ये जो है टीएलपी वालों को हमने बैन कर दिया है और अब ये कुछ आ नहीं सकेंगे, ये बाहर आ नहीं सकेंगे, बात नहीं कर सकेंगे। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ये आएंगे दोबारा, आप देखिएगा इनको जो लोग अभी लाए थे वही लोग इनको दोबारा लेकर आएंगे और ये फिर आपको इसी तरीके से रोड्स पे बैठे हुए नजर आएंगे और बाकी रह गया। तो गाइज़ ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया इस बात को लेकर बिल्कुल भी कवर नहीं कर रहा है कि मतलब पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर लग चुका है बैन। हालांकि ये बैन इतना लंबा नहीं था, अब शायद सोशल मीडिया धीरे धीरे रिस्टोर हो रहा है। सोशल मीडिया के मेन प्लेटफॉर्म ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ये सब पर लग गया था बैन। और ये पाकिस्तान में मतलब पहले भी हो चुका है। 2011 में भी इसी तरीके के शिया सुन्नी फसाद और इस तरीके के कुछ होते थे, तब यूट्यूब पर पाकिस्तान में काफ़ी लंबे समय तक बैन लगा रहा। गाइज ये सिचुएशन पाकिस्तान में आपको पता है क्यों आई है? पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक नाम की पार्टी कर रही है प्रोटेस्ट फ्रांस के खिलाफ, और फ्रांस का जो राजदूत है और फ्रांस के जो नागरिक हैं उनको निकालने के लिए, मतलब पाकिस्तान से निकालने के लिए। तो आप समझ सकते हो गाइस, वैसे भी फ्रांस ने बोल दिया कि जितने भी हमारे नागरिक हैं फ्रांस में वो सारे निकल आएँ, तो वो बहुत जल्द निकल आएंगे। वैसे भी पाकिस्तान के उसके निकलने के बाद पाकिस्तान की वॉट लगने ही वाली है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान के लोग अब आगे परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहेंगे। आपको बता दें दोस्तों कि ये तहरीक लब्बैक पार्टी को पाकिस्तान गवर्नमेंट ने लगा दिया था बैन 2 दिन पहले। लेकिन आपको भी पता है जिस पार्टी के वर्कर इतने बड़े नंबर में हो उस पर बैन लगा सकते हो आप कागज़ पर, लेकिन ज़मीन पर आप बैन नहीं लगा सकते। इसलिए पाकिस्तान में अभी हो रहे हैं बहुत जमकर हंगामे, जिसमें मतलब इसको ना दिखाया जा सके। इसलिए जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, उस पर तो टोटल इन्होंने लगा दिया है ब्लैकआउट। मतलब ये चीज़ें अब इसमें कवर नहीं की जाएंगी, बट सोशल मीडिया पर ये चीज़ें डेफिनेटली आती सामने, तो उसको कवर ना करने के लिए, ब्लैकआउट लगाने के लिए पाकिस्तान ने प्लान रचा कि लगा दिया जाए सोशल मीडिया पर भी बैन। तो वो भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट अब पूरी तरह से इस धरने प्रदर्शन को दबाने की कोशिश कर रही है। और आपको भी पता है कि अब इसमें कितनी लाशें गिरेंगी, कितने लोग मारे जाएंगे, कितनी प्रॉपर्टी बर्बाद होगी, इस चीज़ की जानकारी शायद ही अब दुनिया को पता चल पाए। लेकिन अब देखते हैं होता क्या है, बैन कितना लंबा चलेगा। अगर ये प्रोटेस्टर VPN लगाकर कुछ कर सकते हैं तो डेफिनेटली ये चीज़ें बाहर आ जाएंगी। तो गाइज़ जो भी इस टॉपिक पर वीडियो, मतलब पाकिस्तान में जो भी एक्टिविटी होगी नई, इसी चैनल पर आपको मिलेगी। गाइस प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिए और क्या सुधार कर सकता हूँ वीडियो में वो भी बताइए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।